द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर मैं पम्मी कुमारी कन्या मिडिल स्कूल की तरफ से आपका फिर से वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आपका दिवाली और छठ बहुत ही अच्छे से बीत गया। दिवाली में आपने सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई, अपने घर को सजाया, अबीर से रंगोली बनाए होंगे, फूल से बनाए होंगे, और छठ घाट पे भी हम लोग बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाए। लेकिन अभी क्या है कि आपके घर में वो रंगोली नहीं है, क्योंकि आपने उसे अबीर से बनाया था। पर मैं आपको सिखाने जा रही हूँ परमानेंट रंगोली बनाना, जो कि आपका पूरे साल रहेगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे हम लोग रंगोली बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर। इस साल तो आपने रंगोली बना ही लिया, और अब आप जो अगले साल रंगोली बनाएंगे वो मेरे अकॉर्डिंग बनाइएगा, तो आपका जो रंगोली है वो सालों भर आपके घर को सुंदर आकर्षक दिखाता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि रंगोली कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, रंगोली बनाने के लिए आप एक धागा ले लीजिए, पेंट ले लीजिए और कुछ चौक ले लीजिए, और चौक में हम उस धागे को अच्छे से बांध देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए रेडियस का काम करेगा। और इसे बीच में पकड़ के आप सर्कल बना लीजिए। आपकी रंगोली जितने पार्ट में है उतने सर्कल आप बना लें, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा बराबर और इक्वल बने। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इक्वल पैटर्न बन रहा है। अगर आपसे इक्वल ना हो तो आप पेपर कटिंग करके और उसे रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा रंगोली कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर पेंट चलाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, एशियन पेंट का यूज करिएगा। एशियन पेंट बहुत ही अच्छा होता है और उससे वो बिल्कुल थिक रहता है, जिससे कि डिज़ाइन बहुत ही उभर के आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो रंगोली है ये बिल्कुल उभरा हुआ दिख रहा है। और अब ब्रश से अच्छे से जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं उसे ड्रॉ कर लें और उस पर पेंट अच्छे से चलाएं। देखिए, स्केचिंग करके और भी सुंदर लगता है। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ फैब्रिक कलर्स है, तो फैब्रिक कलर्स को बिना वाटर के यूज़ करना है आपको। और जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कलरफुल डाल दें तो वहाँ पर आप कलरफुल डाल सकते हैं। मेरे पास कुछ फैब्रिक कलर्स बचे हुए थे तो मैं उन्हीं का प्रयोग कर रही हूँ। और इस तरह से आउटलाइनिंग करके और कहीं कहीं फिल करके हमारा जो रंगोली है वो और भी आकर्षक लगने लगता है। इस तरह से आप कलरफुल रंगोली भी बना सकते हैं, और अगर आप वाइट भी छोड़ें तो भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से देखिए, अब हमारा रंगोली तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कि पेंट का प्रयोग करके हम लोग परमानेंट रंगोली बना सकते हैं, जो कि सालों भर रहेगा और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ रहता है, वॉशेबल रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसी के साथ आओ प्रोजेक्ट बनाएं ब्लॉक 2 में। मैं फिर से आऊंगी नया प्रोजेक्ट लेके। तब तक के लिए